हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट फंगस कितना खतरनाक है। आप देखोगे कि पहले जो है कोरोना का जो है वो किस तरह से चल रहा है, उसके बाद आप देखोगे कि व्हाइट फंगस जो है ये ब्लैक फंगस के बाद आया। पहले ब्लैक फंगस जो है वो बहुत सारे राज्यों में एक महामारी की तरह जो है वो घोषित कर दिया गया है, और अभी तक अपने ब्लैक फंगस पे जो है वो वीडियो नहीं दिखा है, तो चैनल पे जो है वो वीडियो है और वीडियो के आई बटन पे भी जो है मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। और उसके बाद जो है व्हाइट फंगस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस हो रहा है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो है 4 गुना ज़्यादा खतरनाक है और जो ब्लैक फंगस है उससे। तो ये कैटेगरी जो है फंगस वाला वो सेम है, तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे कि ये जो है किस तरह से बिहेव करता है, कैसा दिखता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स है, क्या क्या चीज़ें जो है बरतनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, और डॉक्टर हॉस्टल में आप सभी का स्वागत है। तो एक एक करके जो हम सारी चीज़ें देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर जो है ये ब्लैक फंगस दिखता कैसा है। तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे जो है वो आपको तस्वीर जो है वो बहुत जगह आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बाकी जगह देखा होगा। तो ये जो है इस तरह से जो है ये दिखाई दे रहा है, आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसी तरह की चीज़ें जो है अभी तक जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट, बहुत सारे जो एजेंसीज हैं, जैसे कि ज़्यादा जो अभी तक 4 केसेस आया है वो आया है पटना PMCS से, तो वहाँ से जो तस्वीरें रिलीज हो रही है वो इसी टाइप की है कि इसी तरह का जो है वो दिखाई दे रहा है व्हाइट फंगस जो है। अब हम बात करते हैं व्हाइट फंगस आखिर है क्या। तो ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने ब्लैक फंगस में बताया था कि जो संपर्क के थ्रू जो है वो आ जाता है, तो ये भी सेम है, सारे प्रक्रिया जो है सेम है, इसलिए मैंने कहा कि वो वीडियो पहले देख लेना। और ये भी जो है फंगल इन्फेक्शन का जो है एक पार्ट है, लेकिन ये 4 टाइम जो है वो मोर डेंजरस है ब्लैक फंगस से, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और अभी तक जो है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 केसेज जो है वो PMCS पटना से जो है वो देखे गए हैं, और ज़्यादा जो है फेमस ये बिहार में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसके केसेज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेडली है। अगर ब्लैक फंगस पर मैंने वीडियो बनाया था तो बताया था कि ब्लैक फंगस पर जो है वो गुजरात में 100 से ज़्यादा जो है केसेज हैं, महाराष्ट्र में बात करें तो 90 से ज़्यादा जो है वो डेथ है ब्लैक फंगस पर, और बहुत सारे राज्यों ने जो है इसको जो है महामारी घोषित कर रखा है। उसी तरह व्हाइट फंगस जो है अब काफ़ी फेमस हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कोरोना से क्यों जो है वो कहा जा रहा है कि कोरोना जितना जो है ये भी खतरनाक है। क्योंकि व्हाइट फंगस के आप सिम्टम्स देखोगे तो आप जो कोरोना के सिम्टम्स देख रहे थे, जैसे कफ हो गया, फीवर हो गया, खांसी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको व्हाइट फंगस में भी देखने को मिलेगा। व्हाइट फंगस में इसके अलावा डायरिया जो है वो भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा डार्क स्पॉट जो है वो लंग्स में देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो रिड्यूस कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है हमने कोरोना में भी देखा कि कोरोना में भी जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो यही सारे सिम्टम्स जो है वो व्हाइट फंगस के भी हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जितना सेवियर जो है कोरोना है उतना ही सेवियर जो है व्हाइट फंगस भी है, जितना खतरनाक कोरोना है उतना ही खतरनाक जो है व्हाइट फंगस भी है। तो इससे भी जो है बहुत ही जल्दी से जो है जिस तरह से कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना जो है जिस तरह से एक तरह से बिल्कुल डैमेज कर रहा है इम्यून सिस्टम को, उस तरह व्हाइट फंगस भी जो है बिल्कुल डैमेज कर रहा है इम्यून सिस्टम को, और जो डैमेज इम्यून सिस्टम है उन पर बहुत जल्दी जो है ये अटैक कर रहा है। तो अगला हम देखते हैं कि आखिर जो है अफेक्टेड एरिया क्या क्या है जहाँ पे जो है ये व्हाइट फंगस जो है ये अटैक करते हैं। तो अगर हम अटैकिंग एरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बहुत सारे पार्ट पे जो है बॉडी के जो है ये अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर इनमें से कुछ एग्जांपल लेते, जैसे कि स्किन है, स्किन के थ्रू जैसे उन्होंने बताया था कि ब्लैक फंगस भी जो है वो भी स्किन के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट में आ जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो स्टोमस जो है, स्टोमस में आपको जो है व्हाइट फंगस देखने को मिल रहा है, किडनी में, ब्रेन में, माउथ में, लंग्स में, इसके अलावा बहुत सारे जो है बॉडी पार्ट हैं जहाँ पे जो है व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन जो है अब देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो है व्हाइट फंगस आखिर इतना खतरनाक क्यों है, क्यों जो है इसको इतना कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि जिस तरह से अगर किसी को कोरोना हुआ है या फिर ऐसी बीमारियां हुई है जिनको जो है इम्यून सिस्टम जो है जिसमें कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे बीमारियों के लोग कि COVID-19 में क्या करता है कि पूरे इम्यून सिस्टम को जो है वो गड़बड़ कर देता है COVID-19। और इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों में आप देखोगे कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो बहुत कमज़ोर होता है, जो प्रेगनेंट महिलाएँ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से जो है वो वर्क नहीं कर पाता।
तो जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, अगर इम्यून सिस्टम आप अभी तक नहीं जानते हो तो इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी पैदा करता है, एंटीबॉडी का मतलब होता है कि ऐसे एंटीबॉडी, ऐसे सेल्स पैदा करता है, ऐसे कोशिकाएँ बनाता है जो कि जब भी कोई जो है अदर से कोई वायरल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का बीमारी का जो है वायरस या कुछ भी जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अपोजिट में एक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। और वो एंटीबॉडी क्या करता है कि उस बीमारी से लड़ता है और उसको जो है ख़त्म कर देता है। एक बार जब बीमारी ख़त्म हो जाता है तो एंटीबॉडी ख़त्म नहीं होता, वो हमारे बॉडी में हमेशा रहता है। और अगली बार जब भी कुछ ऐसा बीमारी होता है तो जो एंटीबॉडी होता है वो ऑलरेडी जो है काम करना शुरू कर देता है। इसलिए कि जब देखते हो जब एक बार कभी आपको फीवर हो गया, दोबारा होता है, तीसरा होता है, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो, लेकिन एक बार कुछ नया बीमारी होता है तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि आपके बॉडी में जो है वो एंटीबॉडी नहीं होते हैं। इस पर एक अलग डिटेल्स में जो है हम वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर वाइट फंगस किसी को हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात है कि अगर वाइट फंगस किसी में दिख रहे हैं, जो सिम्टम्स मैंने बताए या जो सिम्टम्स आप कहीं से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस सिम्टम्स को अगर दिखाई देता है तो सबसे पहले जो है अपने डॉक्टर से जो है वो संपर्क करें। ऐसे किसी साधारण डॉक्टर से नहीं, एक ENT डॉक्टर से मिले जो कि स्पेशलिस्ट हो, खासकर इन मामलों में जैसे नाक कान आँख गले की विशेष हो या लंग्स का जो है वो ऐसे जांच वाँच हो रहे हो, वहाँ पे जो है ऐसे ENT डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें ये सारे सिम्टम्स बताएं और सबसे पहले जो है वो अपना चेकअप जरूर कराएं। अगर अपने ब्लड शुगर का ध्यान आप रखोगे और इलाज करते हो, खासकर ये ऐसे लोगों के लिए है जिनमें जो है ब्लड शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का जो है, ब्लड शुगर का जो है वो अच्छे से ध्यान रखे, उनका इलाज जो है वो लेते रहे और समय समय पर दवा लेते रहे, क्योंकि ऐसे लोगों में जो होता है इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और जहाँ इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ पर ये फंगस जो है वो बिल्कुल अटैक कर देता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जैसे कोविड जैसी बीमारियां हैं या फिर जो है वो कैंसर है या फिर इसके अलावा जो है ब्लड शुगर है, तो वहाँ पे जो है नियमित तौर से दवाई लेना बहुत ही ज़रूरी है। पूरा ध्यान रखें और पूरा समय समय पे जो है इलाज करते रहें, और बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई जो है मार्केट में फेमस हो रही है या कोई भी दवाई आपको लग रहा है कि ये लेना चाहिए तो अपने मन से ना लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है आपको इन्फेक्शन भी दे सकता है या फिर जो साइड इफ़ेक्ट भी जो है वो भी दे सकता है। तो कोई भी दवाई लेने से पहले जो है वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें, लेकिन दवाई जो है वो आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ये वीडियो में मैंने जो चीज़ें थी वाइट फंगस के बारे में वो बता दिया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर ले, शेयर जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंस्टा और टेलीग्राम पर जो है आप हमसे मिल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आप डॉक्टर हॉस्टल सर्च करके जो है हर जगह पर जो है आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।